हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। तो सी प्लस प्लस एंड सी में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड एंड डिराइव। तो बिल्ट इन को प्री डिफाइंड या डिफॉल्ट भी बोला जाता है, विच इज अगेन ऑफ थ्री टाइप। एक है इंटीग्रल टाइप, जिसके अंडर आते हैं इंटीजर कैरेक्टर। एक है वॉइड, एक है फ्लोटिंग टाइप, जिसके अंडर आता है फ्लोट एंड डबल। फिर यूजर डिफाइंड में है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड एनिमरेशन। डिराइव्ड में है अरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ठीक है, तो बिल्ट इन में ये जो वॉइड है, वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड हैज टू मीनिंग। तो वॉइड किस किस हिसाब से यूज होता है? फर्स्ट, तो देर आर टू नॉर्मल यूजेस ऑफ वॉइड। फर्स्ट इज टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। ये एक इसका यूज है void का। सेकेंड इसका यूज है कि टू इंडिकेट एन एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट टू अ फंक्शन। ठीक है, तो एक एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी आप बताने के लिए void यूज कर सकते हैं, और एक रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने के लिए भी void यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। तो इंटीजर क्या है आपका? पहले है इंटीजर। तो what is इंटीजर? इंटीजर को डिनोट किया जाता है इंट से, और इसका मेमोरी स्पेस है 2 byte। ईच वर्ड ऑफ इंटीजर टाइप ऑक्यूपाइज 2 byte। ठीक है, इंटीजर कैन बी ऑफ शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, साइंड एंड अनसाइंड। तो ये साइन अनसाइन उतना यूज नहीं होता है, बस आपको जानना है कि कितने बाइट का होता है, उसका रेंज क्या होता है। तो इंटीजर का रेंज होता है, रेंज ऑफ द वैल्यू इज -32768 to 32767। ये हो गया आपका इंटीजर का डिटेल। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को डिनोट किया जाता है कैर से, char। ये ऑक्यूपाई करता है 1 byte। दिस इज ऑल्सो कैन बी ऑफ शॉर्ट, लॉन्ग, देन साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है, और लेकिन इसका रेंज बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू इंटीजर। तो इसका रेंज होता है -128 to 127। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट एंड डबल, फ्लोट का साइज होता है 4 byte, डबल का 8 होता है, और इसका रेंज होता है 3.4e -38 to 3.4e+38। और जो आपका डबल होता है, आपको बस इसका साइज ही याद रखना है, रेंज भी उतना जरूरत नहीं पड़ता है। डबल 8 byte के होते हैं, और इसका रेंज होता है 1.7e -308 to 1.7e+308। तो ये जो रेंज मैं बता रही हूँ, इसका मीनिंग ये है कि उसी रेंज में ही जितने वैल्यूज आएंगे, उतने टाइप के डबल या फ्लोट या कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे, उतने नंबर ऑफ इंटीजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो ये है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप।